22 मई तक ध्वस्त किया जाएगा ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2 हफ्ते का समय, 72 घंटे के अंदर सीईओ को बैठक बुलाने के आदेश, सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक के आदेश। नोएडा ट्विन टावर ढहाने के आदेश के अनुपालन में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुपरटेक को 2 सप्ताह के अंदर ट्विन टावर ढहाने शुरू करने का निर्देश दिया था और सुप्रीम कोर्ट को नोएडा अथॉरिटी ने जानकारी दी कि ट्विन टावर को गिराने के कोर्ट के आदेश का अनुपालन शुरू हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक एमरॉल्ड ट्विन टावर के ध्वस्त के मामले में 17 मई को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हितधारक स्थिति रिपोर्ट निर्देशों में समय सारणी का कड़ाई से पालन करें। वहीं याचिकाकर्ता से कहा गया कि फ्लैट की राशि वापस की गई लेकिन लोन को लेकर के कुछ नहीं किया गया है, ईएमआई अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक से सभी की राशि 31 मार्च तक चुकाने के लिए कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 2 सप्ताह के भीतर ट्विन टावर ढहाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 22 मई तक सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नोएडा से राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार जी, एक बार जो पूरा मामला है, पूरी जो विषय है, उस पर विस्तार से नजर डालिए। बिल्कुल सीमा, दरअसल अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी इन द सेंस कि मतलब सरकार ने एक संस्था बनाई, वो संस्था इस शहर को डेवलप करती है। औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत इस शहर का गठन हुआ। इसमें अगर बात करें, अगर ये एमराल्ड टावर और ये ट्विन टावर की जो बात हो रही है, सुपरटेक को एक प्लॉट आवंटित किया गया 2008 में, और उस पर क्योंकि नोएडा प्राधिकरण से पहले एक नक्शा पास कराना होता है, उसके बाद उस पर कितना FAR होगा, उसको किस तरीके से बनाना है, वो सारी रणनीति पूरी बनाई जाती है। जो नक्शे पास करे गए, वो नक्शे जब शुरुआत में पास किए गए 2008 में, जब जमीन दी गई, तो उसमें केवल 18 मंजिल तक के जो नक्शे थे वो पास किए गए। लेकिन बाद में सरकार बदली, सरकार ने फिर जो सुपरटेक है, सुपरटेक ने फिर अप्लाई किया और जिसमें 18 मंजिल के फ्लैट बनाने की परमिशन दी गई थी, वहाँ 28 मंजिल के टावर खड़े कर दिए गए। उसके बाद यहाँ के जो RWA के लोग हैं, AOA के लोग हैं, वो लोग कोर्ट पहुँचे। उन्होंने पहले हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और जहाँ पर दोनों टावर बनाए गए हैं, अगर इसके लेआउट प्लान को देखते हैं तो सीमा, वहाँ एक पार्क कहीं ना कहीं दिखाई देता है, अगर हम एक लेआउट प्लान की बात करेंगे। लेकिन जो नक्शा पास कराया गया, उस नक्शे के अनुरूप वो बिल्डिंग नहीं बनी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लास्ट में ये डिसीजन लिया कि इन दोनों टावरों को ध्वस्त किया जाना चाहिए, जो जिन लोगों को वहाँ उसमें आवंटित किए गए हैं फ्लैट, क्योंकि एक एक फ्लैट कीमत 1.5-2 करोड़ रुपए है जो वसूल की है। सुपरटेक इसमें पूरी तरह से दोषी पाया गया। उसके अलावा नोएडा प्राधिकरण, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जो है, वो नोएडा प्राधिकरण के पास ही जमीन का, जो जमीन दी जाती है वो जमीन लीज पर दी जाती है, लीज 99 साल की लीज पर दी जाती है, और उसमें तमाम तरह के जो हस्तक्षेप होते हैं वो नोएडा प्राधिकरण के होते हैं। अब इसमें 22 मई का समय मुकर्रर किया गया है, एक विदेश की 2 कंपनियां हैं जो इन टावरों को ध्वस्त करने के लिए मुकर्रर की गई हैं। इसमें किस तरीके से क्या रणनीति बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। उस सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस के जवाब में आज नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो वकील जो पेश हुए, जो अधिकारी पेश हुए, उन्होंने ये बताया कि 22 मई तक इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर राजकुमार जी बात किया जाए यहाँ पर कि जिन लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं, उनको लेकर के सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए, कब तक उनके पैसे चुका दिए जाएंगे, EMI की जो रकम है वो कब तक दी जाएगी और किस तरीके से दी जाएगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत अहम जो सवाल है, इस अहम सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम तरीके के प्रयास चल रहे हैं, तमाम तरीके की कमेटियां बनाएगी। एक SIT उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने बनाई, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 ऐसे अधिकारी जो तमाम पदों पर रहे, जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया, उनमें से 8 ऐसे हैं कि जो एक्सपायर हो चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, 18 ऐसे हैं कि जो अभी भी, जिनमें से 8 लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी कहीं ना कहीं किन्हीं प्राधिकरणों में काम कर रहे हैं, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं
हैं कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनसे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा रुख रहा है और सरकार का भी बहुत कड़ा रुख रहा है। इसके लिए रेरा के थ्रू इसमें इन्वॉल्वमेंट करके एक कमेटी बनाई गई है, इसका पूरा जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। और क्योंकि सुपर टेक ने पैसा लिया है और सुपर टेक को ही पैसा वापस करना है तो उसके लिए भी निश्चित तौर पर विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सब चीज़ें चल रही हैं। हालांकि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पैसे वापस नहीं हुए, लेकिन कुछ जो आवंटी हैं उनके पैसे कहीं ना कहीं सुपर टेक वापस करने की स्थिति में। सुपर टेक को एक चीज बिल्कुल पता लग गई है कि ये सुपर टेक को जी जल्द से जल्द इन सभी को देखिए तो रकम मैं वही सीमा एक बिल्कुल अंतिम हाँ हाँ बिल्कुल अपनी बात पूरी करें राजकुमार। हाँ मैं वही 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 हाँ वही वही एक क्लियर कर रहे थे हम लोग कि सुपर टेक को भी अब ये पता लग गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 22 मई तक इसको ध्वस्त किया जाना है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब सुपर टेक के पास भी कोई रास्ता नहीं बनता, वरना वो रिकवरी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इसलिए सुपर टेक की तरफ से भी प्रयास ये चल रहा है कि जो आवंटी थे उन आवंटियों को समझा बुझाकर उनका पैसा वापस कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल चलिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के।